हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021, जी हाँ, आज 8 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का दोस्तों एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है, जिसका यहाँ पर मैं आप सभी को 100% रियल क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन आज की आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका आने वाले समय में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है या अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने आने वाले हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस पैटर्न जो है पर आपको आगे चलकर एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करिएगा, जिससे कि आपको रोजाना ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए, साइंस सिटी जो है महाराष्ट्र में स्थापित की गई है राजीव गांधी के नाम पर, लेकिन ये पुणे शहर में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 में। तो 1907 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, भारत में जो कोयला है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। तो गोंडवाना क्षेत्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है। तो फ्रेंड्स देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक के जो सीईओ है वो है सतीश कुमार गुप्ता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ब्रांड अम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से कवर करके रखिएगा अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स कि एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखिए, जो रबड़ होता है अगर आप उसको खींचते हो तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि NDDB यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, NDDB के जो पद पर जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए वो की गई है वर्षा जोशी। तो वर्षा जोशी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहां पर पूछा गया था कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था आपका 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता। तो देखिए, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें भी आपको अच्छे से कवर करना है। देखिए, सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो देखिए, सेबी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1988 में। तो 1988 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किसे बिजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया है। तो देखिए, ये असम सरकार का जो है ये बिजू पटनायक खेल पुरस्कार ये दिया गया है अमित रोहिदास को। तो अमित रोहिदास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया था कि अलमाटी बांध, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो सकता है कि आपको आने वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता दिखे। तो अलमाटी बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया था कि हाल ही में भारत में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है। तो देखिए, भारत में जो सबसे बड़ा जीन बैंक बना है वो बना है दूसरे नंबर वाला। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया था कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका पड़ता है लखनऊ शहर में। लखनऊ कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो आपका हो जाएगा यूपी में। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो देखिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की जो पहली महिला बनी है वो बनी है उषा पांडे। तो उषा पांडे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तो देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो नारियल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है केरल राज्य में। तो केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो अमोनिया गैस तैयार करने के लिए जो आपकी गैस यूज होती है वो होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ जीके करंट अफेयर साइंस के क्वेश्चन, जितने भी मिले हैं सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मैथ में जो है किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किसी वस्तु को जब 20% के लॉस की अपेक्षा 20% के प्रॉफिट पर बेचने से
540 अधिक मिलते हैं, मतलब 20% की हानि की अपेक्षा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 540 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताओ उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब अपने आप में सीपी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि 20% का लॉस है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 20% के लॉस की अपेक्षा अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है तब क्या होता है, उस केस में आपको 540 रुपये क्या होते हैं फ्रेंड्स, अधिक मिलते हैं। ये क्या मिलते हैं, 540 रुपये अधिक। और ये कब मिलते हैं, जब आप 20% के लॉस को कवर करते हो और 20% का ही प्रॉफिट आप उसमें मिलाते हो, मतलब यहाँ पर आपको 540 रुपये अधिक मिल रहा है। तो सीपी आपको ज्ञात करना है। देखिए इस तरीके के सवाल करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज कॉन्सेप्ट लगा के दिखाऊंगा। तो देखिए कोई भी वस्तु क्रय मूल्य में आपका 100% होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जब 20% का लॉस हो रहा है, तो ये मैंने आपको बताया जब भी हानि हो तो 100 से माइनस कर लिए, तो ये हो जाएगा आपका 80%, और यहाँ पर प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा आपका 120%। तो 80% की जगह जब आप 120% में बेचते हो तो आपको 540 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40%। सिंपल सा बस, तो 40% की वैल्यू आपकी बराबर हो गई है 540 रुपये के। तो आपको यहाँ पर कितनी परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 540 बटे में कितना हो जाएगा, 40, और मल्टीप्लाई बाय सीपी निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए 1 × 0 से 1 × 0 कैंसिल, उसके बाद इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 4 की टेबल से कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 25 बार कैंसिल। तो देखिए 25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 100 बच जाएंगे आपके कितने फ्रेंड, 10, 25 125 और 10 कितने हो जाएंगे, 135। तो 1350 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है को 160 मीटर लंबे पुल को पार करने में 16 सेकेंड का जो है समय लगता है। पुल को पार करते समय ट्रेन की रफ्तार, वो भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपकी हो गई एक ट्रेन हो गई है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जिसकी लेंथ आपको गिवन है 400 मीटर, ठीक है। देन यहाँ पर आप इसको पुल बोल सकते हो, प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, जो भी आप बोल सकते हो। तो इसकी लेंथ आपको गिवन है 160 मीटर। अब यहाँ पर ये ट्रेन स्टार्ट होगी चलना, और यहाँ पर जब इसका एंडिंग पॉइंट होगा तब ये पूरा पुल जो है यहाँ से इसको पार कर जाएगी ट्रेन। तो इसकी लेंथ आपको गिवन है 400। देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है चाहे पुल को पार करती है, तो दोनों की लंबाई की योग के बराबर दूरी वो ऑटोमेटिकली तय कर जाती है। तो डिस्टेंस आपका कितना निकल के आएगा, देखिए 400 और 160, ये हो जाएगा आपका 560 मीटर। देन यहाँ पर आपको समय दिया हुआ है, टाइम बराबर 16 सेकंड दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्पीड ज्ञात करना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो देखिए स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस के अपॉन में टाइम हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, बेसिक सा पता होना चाहिए। तो स्पीड निकालना है, देन डिस्टेंस आपको गिवन है 560, समय आपको गिवन है 16 सेकंड, लेकिन आपको किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड ज्ञात करनी है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको जो स्पीड निकल के आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड की, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जिससे छोटी यूनिट से आप बड़ी की तरफ जाते हो, तो 18/5 का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बस। तो इसको आप सोल्व करिएगा, तो देखिए 2 से आप कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम कैंसिल होगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 बार, 5 के टेबल से कैंसिल कर लीजिए, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 2 = 10, इसको कैंसिल करेंगे तो 8 के टेबल से 1 टाइम बचेंगे 3, तो 8 × 4 = 32। तो देखिए 14 × 9 कितना हो जाएगा आपका, 126 किलोमीटर पर आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सारे ही मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, टेलीग्राम व्हाट्सअप फेसबुक जहां भी आप शेयर करना चाहो वहां शेयर कर सकते हो। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा।